अब आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको बता दें माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का आगमन हो चुका है और वो महिला स्व सहायता समूह के स्टॉल का अवलोकन करते हुए यहाँ थोड़ी ही देर में मुख्य मंच पर आसीन होंगे। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासक माननीय श्री बिजमोहन अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ माननीय श्री राम विचार नेताम जी। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री सुनील सोनी जी, सांसद महोदय भी हमारे बीच हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं माननीय श्री राजेश भड़त जी, विधायक, माननीय श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, विधायक, माननीय श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक, माननीय श्री अनुज शर्मा जी, माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी, विधायक अभनपुर, माननीय श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, विधायक आरंग, श्री अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन। अब से कुछ ही क्षणों में वो मंच का अवलोकन करते हुए, स्व सहायता समूह का अवलोकन करते हुए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अगर पीडीएम दिखाना है तो फिर वन ईयर वाला दिखेगा, दोनों ऑप्शन है आपके पास। Hello John, how are you? Hello John, how are you? What's up? You're not Jan, you are John. महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक अभिनव पहल है। प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार के निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने के लिए ये एक अभिनव पहल कहा जा सकता है। समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने और आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। योजना के द्वारा प्रदेश की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक डीबीटी के रूप में प्रति माह 1,000 रूपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जानी है। ये योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि समावेशित समान अवसरों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे सारे अतिथिगणों का आगमन हो चुका है और वे स्व अवलोकन के पश्चात कुछ ही क्षण में इस मंच पर आसीन होंगे। नेतृत्व में बाल विकास मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करें। हमारी सरकार का नारा है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आइए साथ मिलकर हम सभी महिलाओं को सशक्त, सम्मानित और आर्थिक सक्षम बनाने में हमारी सरकार यात्रा जारी रखे। मैं 2 शब्द से अपने वाणी विराम दूंगी। नारी जग की जननी है, जग में उनको सम्मान मिले। नारी जग की जननी है, जग में उनको सम्मान मिले। हर बेटी पढ़ लिख कर बढ़े आगे, उनको उनका अरमान मिले, उनको उनका अरमान मिले। अब तो घर घर में खिले कमल, अब तो घर घर में कमल खिले। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार करती हूं और अपेक्षा करती हूं कि आप मेरे प्रति स्नेह का भाव इसी तरह से बनाए रखेंगे। इस बार पुनः चाहती हूं कि जोरदार नारों के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सशक्त महिला, मजबूत प्रदेश, और अब बारी है उनके विचारों को सुनने के लिए जो आज इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राम विचार नेताम जी को उनके विचार प्रकट करने के लिए मैं मंच पर सम्मान आमंत्रित करती हूं।
कैसे हैं आप लोग? सही हैं? बस्तर से भी आई हैं? बस्तर वाले कहां हैं? हाथ ऊंचा करिएगा। वाह, इनके लिए, बस्तर लोग वालों के लिए, दीदी लोग के लिए जोरदार ताली बजाइए। अब ठीक है? बोले भारत माता की। हाँ, थकी होंगे आप लोग, भी रात भर चले हैं। सबसे पहले तमाम सारे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए उन माताओं बहनों को और दीदी लोग को आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से आप सबको इस दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। अब तो ताली बजाइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस सरकार ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ का जमो दीदी मन के, पूरे प्रदेश का ये महतारी मन के, हमर जो घोषणा रही एक घोषणा के पूरा करे के दिन आज आवे। आवाज ये उद्घाटन के अवसर में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज यहां पर उपस्थित हुए। हमर प्रदेश के बहुत ही सीनियर और पूरे छत्तीसगढ़ का एक दुलारे नेता भाई बृजमोहन अग्रवाल जी भी हो। ये अवसर में ये तुहर मातारी मन के चिंता करे वाला, दीदी मन के, बहन मन के चिंता करे वाला विभाग के मंत्री लक्ष्मी जी, जो अपन खजाने से ही, लक्ष्मी जी मतलब लक्ष्मी जी, उनके पास से लक्ष्मी रथे, लक्ष्मी रजवाड़े जी भी हैं यहाँ पर उपस्थित। यहाँ उपस्थित है हमारे यहाँ का लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई सुनील सोनी जी, आदरणीय हमारे मोतीलाल साहू जी, आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, प्रदेश के लोकप्रिय नेता भाई राजेश मूणत जी, खुशवंत साहब जी, महिला मोर्चा के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष शालिनी जी सहित यहाँ नगर निगम के आ के हमारे नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी, साथ ही साथ यहाँ धरसीवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सबके बहुत ही रंगीला हमारे आदरणीय अनुज शर्मा जी और ये विभाग पूरा छत्तीसगढ़ का सरकार के शासन के हमारे मुख्य सचिव जी भी हाँ और विभाग के सब अधिकारी मन है और यहाँ के पूरा प्रशासनिक अमला आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो मोदी जी के गारंटी के तहत जो महतारी लोग को, बहन लोग को, लखपति दीदी लोग को जो प्रति महीना 1000 देवे का घोषणा कर रही, पहले संकल्प कर रही हमर सरकार बने के पहले कि हमर सरकार बने तो महतारी मन के, दीदी मन के, ओमन के प्रति माह 1000 रुपया देवल जाए। बड़े उत्साह के साथ माता बहन लोग हमर सरकार के बनावे में मदद करे, एकर खातिर हमर सरकार की ओर से आदरणीय मोदी जी के गारंटी के तहत
और उनका उद्बोधन के साथ आज जो शुरू भी हुई तो गारंटी के तहत आज जो है 70,12,600 इतना दीदी मन के, इतना बहिनी मन के, इतना महतारी मन के आज ओकर खाते में पैसा डाले के काम शुरू हो जाए। भैया आप तो दीदी लोग जोरदार ताली बजाओ प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए। और बहनी हो आप मन के लिए हमर सरकार तो करत है, गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्ग सबके चिंता करते हुए हमर सरकार एक काम करत है। महतारी का आशीर्वाद है, माता बहनी मन का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद से मिलत रही तो निश्चित ही तुहर कोई काम रुके वाला नो है, तुहर काम पूरा करल जाए। हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गांव गरीब के लिए, मजदूर के लिए, माता बहन के लिए ओ दिन रात 24 घंटा में 16 घंटा 18 घंटा काम करत है देश के लिए, बहनी मन के लिए चिंता करत है। और उनकर योजना से ही, उनकर संकल्प से ही आज हमारे सरकार वो पूरा संकल्प के पूरा करत है। अब आए वाला समय आपकर बारी है। हमार सरकार का मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी तो मोदी जी के गारंटी के तहत वो काम लग करत है, लेकिन अगला काम तोहर हाथ में है, आपके हाथ में है। तैयार हैं आप लोग? मोदी जी को फिर से बैठाना है कि नहीं? बैठाना है ना, हाथ ऊंचा करिए तो बताइए तो कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं? कैमरा वाले उधर करिए, थोड़ा फोटो लीजिए, तैयार हैं? हर हर मोदी, हर हर मोदी। फिर से एक बार मोदी की सरकार। तो इसलिए आप बहनी बनकर, माता लोग का, महतारी लोग का, लखपति दीदी बन के लिए आप सब मिलकर के फिर से एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए हम सब के जुट जाना है, लग जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद मंत्री महोदय। और आपको बता दें कि आज सभी जिलों में ये आयोजन इसी भव्य तरीके से हो रहा है, एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, जिसकी छवि पीछे स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। हर जिले में ये आयोजन, इतनी ही संख्या में लोग, इतना ही उत्साह देखने को हमें मिल रहा है और अत्यंत ही हर्ष का विषय है। कुछ और अतिथियों का हमारे इस मंच पर आगमन हुआ। हम स्वागत करते हैं माननीय श्री राजेश मूणत जी विधायक, माननीय श्री पुरेंद्र मिश्रा जी विधायक, माननीय श्री मोतीलाल साहू जी विधायक, माननीय श्री अनु शर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष भी हमारे बीच हैं। आप सभी का इस मंच की ओर से अभिवादन एवं स्वागत करती हूं। और अब सुनने की बारी उन्हें जिन्हें अभी साधु संतों का भरपूर स्नेह आशीर्वाद मिला है। राजिम कुंभ कल्प महोत्सव को बहुत ही सुखद तरीके से जिन्होंने संचालित किया और सभी संतों का आशीर्वाद जिसने लिया, ऐसे हमारे मंत्री महोदय माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए ससम्मान आमंत्रित करती हूं। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय जय श्री राम। आज बहुत खुशी के बात है कि हमार दाई महितारी महिला एकर मन के सम्मान स्वाभिमान बढ़ाए बाद हमार मोदी जी के और विष्णुदेव साय जी के गारंटी पूरा होते अब 12,000 रुपया सबके महिला मन के खाता में जाही। सब जन खुश हो कि नहीं? तो फिर मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के ताली बजा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। अब ऐसे है हमार मुख्यमंत्री जी विष्णु जी
और हमारे महिला बाल विकास मंत्री जी जो ने वो लक्ष्मी जी है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी मिल गए तो फिर कोनो बात के कमी नहीं होए। और ये दाई महितारी मन के सम्मान बढ़ाए के काम आज यहां पर होते। हमर बीच में मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, हमर वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, हमर सांसद सुनील सोनी जी, हमर पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी, हमर यहां पर विधायक भाई पुरेंद्र मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी, हमर विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी, हमर महिला मोर्चा के अध्यक्ष शालिनी राजपूत जी, हमर पार्टी के उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी और हमर यहां के सीएस अमिताभ जैन जी, मीनल चौबे जी और पूरा रायपुर संभाग से आए हमर दाई महितारी सब झलना में प्रणाम करत हो कि काली महिला दिवस मनाए गए है। हमर देश में जोन मन लक्ष्मी जी के पूजा करते होकर मन के घर भरे रही थे, जोन मन काली माता दुर्गा जी के पूजा करते वो मन ला शक्ति मिलते, जोन मन सरस्वती के पूजा करते वो मन ला विद्या और ज्ञान मिलते। आज मोदी जी के नेतृत्व में अभी तक हमारे दाई महितारी मन अपन पति के पीछे घूमे कि मोला महीना खर्चा खातिर पैसा दे दो, मोला महीना के खर्चा खातिर पैसा दे दो, परंतु अब दाई महितारी मन के पीछे होकर पति घूमी ही तोर खाता में 1000 रुपया आए हैं, 500 रुपया मोला दे दे, घूमी कि नहीं घूमी। ये महिला मल्ला सम्मान दे के काम कोई करत है तो एक कमल फूल के पार्टी, मोदी जी के पार्टी, विष्णुदेव जी के पार्टी, भारतीय जनता पार्टी करत है। अब एक महीना बाद तुमन मल्ला फिर से मोदी जी के ताकत ला बढ़ाए बार और लक्ष्मी जी के कमल फूल ला खिलाए बार सहयोग देना है। आज ये जो 1000 रुपया सबके खाता में आते है एक खाते में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सब जन खुश हो तो फिर ताली बजाओ जोरदार, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। बस कुछ ही क्षण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमसे वर्चुअल यहां जुड़ने वाले हैं। महतारी वंदन योजना का आज अंतरण होना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से और हम सबको इसका बेसब्री से इंतजार है। जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा वैसे ही हम और आप पूरे जोरदार उत्साह के साथ, करतल ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। महतारी वंदन योजना सम्मेलन 2024 के आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुछ ही क्षण में हमसे जुड़ रहे हैं वर्चुअली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर से हमारा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। संचालक हमें जैसे ही सिग्नल मिलेगा वैसे ही हम आपको सूचित करेंगे। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक अभिनव पहल है। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। योजना के द्वारा प्रदेश की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक डीबीटी के रूप में प्रतिमाह 1000 रूपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि समावेशित समान अवसरों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। बस कुछ क्षण में हम सभी के बीच, हम सभी के चहेते, हम सभी के देश के
कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ेंगे और आज की इस योजना का शुभारंभ करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महतारी बंधन योजना शुरू करेंगे। लीजिए, प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि आज 17,12,600 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1,000 रूपये का अंतरण आपके कमलों से हो रहा है। मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, हमारी सनातन परंपरा कहती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। महतारी बंधन योजना के माध्यम से इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग है। आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप राष्ट्र की निर्माता हैं, आपका योगदान अनमोल है। यह महतारी बंधन योजना आप लोगों को छोटा सा अर्पण है। मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है, इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण बहुत जरूरी है। आप लोग जितनी सशक्त होंगी हमारा देश और प्रदेश भी उतना ही सशक्त होगा। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की ताकत से हमारी भी ताकत दोगुनी हो गई है। इस ताकत को हम सब लोगों को बनाए रखना है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको अपनी ताकत देकर आपको देश और प्रदेश की ताकत बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी, आपका मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि अपने व्यस्तम समय में से हमारी माताओं बहनों को, छत्तीसगढ़ को आशीर्वचन देने के लिए समय निकाले। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और नारी सशक्तिकरण की दिशा में सशक्त पहल है महतारी बंधन योजना, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। सत्तर लाख बारह हजार 417 महिलाओं को एक साथ डीबीटी के माध्यम से 655 करोड़ वित्तीय राशि अंतरित की जा रही है। आइए देखते हैं महतारी बंधन पर आधारित ये लघु चित्र। हो रही है चारों ओर नारी शक्ति की जय जयकार। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी हुई है पूरी। गारंटी के अनुरूप राज्य की महिलाओं को मिली है महतारी बंधन योजना की सौगात, जिसके तहत पात्र विवाहित महिला को मिलेगी हर माह 1,000 रूपए की वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री जी के त्वरित दिशा निर्देश पर रिकॉर्ड कम समय में इस योजना को धरातल पर लाने का नया कीर्तिमान बना है, जिसका प्रमाण है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी बंधन योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश की महिलाओं के खाते में 655 करोड़ 57 लाख रुपए की पहली किश्त की राशि का अंतरण किया है। महतारी बंधन योजना के लिए बधाई देता हूँ। इस योजना से लाखों बहनों को फायदा होगा। आज नारी शक्ति का छत्तीसगढ़ में हो रहा है वंदन अभिनंदन।
हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। इस ध्येय वाक्य को साकार करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह कि आज के इस भव्य समारोह में जो हमें सौभाग्य मिला है आपको देखने और सुनने का, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। नमस्कार जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साई जी, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, जय जोहार। मैं मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी और मां महामाया को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को भी मेरा प्रणाम। दो हफ्ते पहले मैंने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था और आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1,000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। आज महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं लाखों लाखों बहनों के दर्शन हो रहे हैं। अलग अलग स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में आप सब बहनों को एक साथ देखना, आपके आशीर्वाद प्राप्त करना, ये भी हमारा सौभाग्य है। दरअसल तो आज कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे छत्तीसगढ़ में आपके बीच पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं अलग अलग कार्यक्रमों के कारण यहां उत्तर प्रदेश में हूं। और माताएं बहनें, मैं अभी काशी से बोल रहा हूं और कल रात बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, उनकी पूजा करते हुए सभी देशवासियों की भलाई के लिए प्रार्थना करता था और आज देखिए मुझे बाबा विश्वनाथ की धरती से, काशी की पवित्र नगरी से आप सबसे भी बात करने का अवसर मिला है और इसलिए मैं तो बधाई देता ही हूं, लेकिन बाबा विश्वनाथ भी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं, कल शिवरात्रि थी परसों, तो शिवरात्रि के कारण 8 मार्च महिला दिवस को ये कार्यक्रम करना संभव नहीं था, तो एक प्रकार से 8 मार्च महिला दिवस, शिवरात्रि का दिवस और आज बाबा भोले की नगरी से बाबा भोले के आशीर्वाद भी 1,000 रुपया तो पहुंच रहा है, उससे बड़ी ताकत बाबा भोले का आशीर्वाद भी पहुंच रहा है। और मैं हर महतारी को कहूंगा, आप सबके खातों में अब हर महीने बिना किसी परेशानी के ये पैसा आता रहेगा और ये मेरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर, और इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं। माताओं बहनों,
जब माताएं बहनें सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। इसलिए डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारी माताओं बहनों का कल्याण है। आज परिवार को पक्का घर मिल रहा है और वो भी महिलाओं के नाम पर। उज्ज्वला का सस्ता गैस सिलेंडर मिल रहा है, वो भी महिलाओं के नाम पर। 50% से ज्यादा जनधन खाते, वो भी हमारी माताओं बहनों के नाम पर। जो मुद्रा लोन मिल रही है उनमें भी 65% से ज्यादा हमारी महिला बहनों ने, माताओं बहनों ने, खास करके नौजवान बेटियों ने कदम उठाया, आगे बढ़ी और ये लोन लेकर के अपना काम शुरू किया है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीवन बदल दिया है। हमारी सरकार के प्रयासों से अब तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन जाना और गांव गांव में ये कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है। और लेकिन ये सफलता को देखते हुए हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया है। हम अब संकल्प कर लिए हैं कि हम देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना से भी महिलाओं के सशक्तिकरण के नए रास्ते खुले हैं। और माताएं बहनें, नमो ड्रोन दीदी का एक बड़ा कार्यक्रम मैं कल ही करने वाला हूं। आप जरूर सुबह 10-11 बजे टीवी पर जुड़ जाइए, देखिए नमो ड्रोन दीदी क्या कमाल कर रही है, आपको भी देखने को मिलेगा और आप भी उत्साह के साथ भविष्य में उसके साथ जुड़े जाएंगे। और इसे नमो ड्रोन दीदी इस योजना के तहत भाजपा सरकार बहनों को ड्रोन भी दोगी और ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी देगी। और मैंने तो एक बहन का इंटरव्यू देखा था, उसने कहा मुझे तो साइकिल भी नहीं आती थी और आज मैं ड्रोन दीदी पायलट बन गई हूं। देखिए इससे खेती आधुनिक होगी और बहनों को अतिरिक्त कमाई भी होगी। कल ही दिल्ली से मैं इस योजना का शुभारंभ करने जा रहा हूं और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि फिर एक बार जरूर मेरे साथ जुड़िए। माताओं बहनों, परिवार समृद्ध तब होता है जब परिवार स्वस्थ होता है, और परिवार स्वस्थ तभी होता है जब घर की महिलाएं स्वस्थ होती हैं। पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु की मृत्यु बहुत बड़ी चिंता थी। हमने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपये की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। पहले घर में शौचालय ना होने की वजह से बहनों बेटियों को पीड़ा और अपमान सहना पड़ता था। आज हर घर में माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है, इससे उनकी परेशानी भी कम हुई है और बीमारियों से भी मुक्ति मिली है। माताओं बहनों, चुनाव के पहले कई पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती हैं, आसमान से सारे सितारे आपे चरणों में लाकर रख देने की बातें करती हैं, लेकिन भाजपा जैसी साफ नियत वाली पार्टी ही अपने वायदे पूरी करती है।
इसलिए बीजेपी सरकार बनने के इतने कम समय में महतारी वंदन योजना का यह वायदा पूरा हुआ है और इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी को और उनकी पूरी टीम को और छत्तीसगढ़ सरकार को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। और यही तो कारण है कि लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। चुनाव के समय हमने छत्तीसगढ़ की खुशहाली की जो गारंटी दी थी उन्हें पूरा करने के लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। मैंने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में हम 18 लाख आंकड़ा बहुत बड़ा है 18 लाख पक्के घर पक्के आवास का निर्माण करेंगे। सरकार बनने के दूसरे ही दिन हमारे विष्णुदेव साय जी ने उनकी कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बारे में फैसला लेकर काम शुरू कर दिया। मैंने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अटल जी के जन्मदिवस पर 3,700 करोड़ रुपए का बोनस किसानों के खातों में पहुंचा दिया। मैंने गारंटी दी थी हमारी सरकार यहां 31 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान की खरीदी करेगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने अपना वायदा पूरा किया और 145 लाख टन धान खरीद कर नया रिकॉर्ड भी बना दिया। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना में इस साल खरीदे गए धान की अंतर राशि का भुगतान जल्द ही किसान भाइयों को किया जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में जन कल्याण के इन कार्यों को निर्णायक ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें आप सब माताओं बहनों की बड़ी भागीदारी होने वाली है। मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार इसी तरह आपकी सेवा करती रहेगी, अपनी हर गारंटी पूरी करती रहेगी। और मैं एक बार फिर, गर्मी तो शुरू हो चुकी है, मैं मेरे सामने लाखों बहनों को देख रहा हूं, ये दृश्य अभूतपूर्व है, यादगार दृश्य है। मन में होता है कि काश मैं आज आपके बीच होता, लेकिन आप सब मुझे क्षमा करें, लेकिन बाबा विश्वनाथ के धाम से बोल रहा हूं, काशी से बोल रहा हूं, तो बाबा के आशीर्वाद भी साथ पहुंचा रहा हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां, हमारा उत्साह वर्धन करने माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी से वर्चुअली जुड़े। मन की बात के माध्यम से हमने बहुत बार प्रधानमंत्री जी को सुना है, लेकिन आज वो स्पेशली महतारी वंदन योजना के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए हम सभी से जुड़े। पुनः इस मंच की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एक बहुत ही अनूठी पहल आज इस मंच से होने जा रही है, बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इसके ब्रोशर का विमोचन यहाँ कराएं, प्रस्तुत है ये छोटी सी शॉर्ट फिल्म। ओ, ओ, अब कसम हमें है खाना, संकल्प यही है उठाना, अपना कर्तव्य निभाना, हर गुड़िया को है बचाना, ये बात पते की माने, दुनिया हो जाए आदि, 18 से कम भी ना हो गुड़िया रानी की शादी, 18 से कम भी ना हो गुड़िया रानी की शादी। सब प्रण लें कि इस पावन अभियान में हम छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
किशोर और किशोरियों की शिक्षा और कौशल प्राप्त करना उनके सक्षम और सशक्त भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। कम उम्र में मातृत्व से जच्चा और बच्चा का स्वास्थ्य और पोषण बुरी तरह से प्रभावित होता है। इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए हमें आपकी जरूरत है। आप देंगे साथ तो बनेगी बात। आइए बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करें। याद रहे, बच्चे की शादी कब? जब वो सक्षम हो जाए तब। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचस्थ सभी अतिथियों से हमारा आग्रह, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के ब्रोशर का अनावरण आप सभी करें। बच्चों में सीधे जामताड़ा लिए चलते हैं आपको, जहां सीएम चंपई सोरेन बराकर नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण का शिलान्यास करने पहुंची हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं।